सो आज हम अपना रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे जिसमें फिलेट, पैटर्न, रीप, ग्राफ, शेल, मिरर, इंटरसेक्ट और रैप होगा। सबसे पहले हम चलते हैं फिलेट की तरफ। फिलेट को क्लिक करेंगे हम, ठीक है। फिलेट में हमारे पास चार टाइप्स हैं, कॉन्स्टेंट साइज फिलेट, वेरिएबल साइज फिलेट, फेस फिलेट और फुल राउंड फिलेट। सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टेंट साइज फिलेट का दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एक लाइन को क्लिक करेंगे, एक एज को, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये चारों लाइन क्लिक हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह मैं एक लाइन को क्लिक किया, अगर इसको क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास जितने भी एजेस हैं ये सारे फिलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको मैं कर देता हूँ हमारे पास 5 mm, ये लें जी, 5 mm भी हो गया, ठीक है। इधर से भी हम चेंज कर सकते हैं, इधर से मैं 4 mm कर दूँ, ये देखें, ये इसको मैं 7 mm कर दूँ, ठीक है। तो आप जहाँ से मर्जी, आपको जहाँ से इजी लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्स्टेंट साइज फिलेट। अब दूसरी टाइप ऑफ फिलेट में जाते हैं, उसमें जाए फिलेट में गए वेरिएबल साइज फिलेट में, एक हमने एच चूज किया हमारे पास, अच्छा ठीक है। अब देखो इसमें इसमें भी सेम उसी तरह से कर सकते हैं ना, कि सारे एजेस चूज हो जाएंगे, ये देखें, ये देखें, ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी आप दोनों सारे एजेस को चूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है, V1 है हमारे पास ये वाला पॉइंट और V2 है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। V2 में जाता हूँ, V2 को मैं करता हूँ 5 mm, ठीक है, और V1 में चला जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 15 mm, ठीक है। ये देखें, इसको मैं 20 कर देता हूँ जी, ठीक है, ठीक है। ये देखें, अभी इस फिलेट को देखिएगा, ये देखें, ये वाला हमारे पास हो गया वेरिएबल साइज फिलेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास फिलेट की एक और टाइप है, इसको बोलते हैं, ये रहे फुल राउंड फिलेट, ठीक है। फुल राउंड फिलेट में क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ये हमारे पास हो गया, दूसरा हमारे पास ये सरफेस हो गई, ये ऑटोमेटिकली फिलेट इनको करना होता है, ये लें, इसको फिलेट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कितना फिलेट दिया था, इसको मैंने फिलेट दिया था 22 mm, ठीक है। अगर इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सिंपल फिलेट से करता हूँ, इसमें और उसमें फ़र्क देखिएगा। ये मैं सिंपल वाले फिलेट में लेने लग गया, ये 22 mm, ये देखिए, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, हमारे पास एक और फिलेट की टाइप है, वो है हमारे पास फुल राउंड फिलेट। फुल राउंड फिलेट में क्या होता है, आपने तीन फेसेस चूज करने होते हैं, एक दरमियान वाला और दो साइडों वाले। ये इसमें जाऊंगा, इस बॉक्स को देख के इसको चूज कर लूंगा, फिर इसमें जाऊंगा जो मैंने जहाँ से इसको गोल करना है, फिर इसमें चले जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास राउंड फिलेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी फिलेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा फिलेट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं शैम्फर की तरफ, शैम्फर आ गया हमारे पास। शैम्फर भी बहुत ईजी है, आप लोग इसको देख सकेंगे। देखें, एंगल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस और ये खाली डिस्टेंस, हम ये दो टाइप्स कवर करेंगे इसमें, एंगल टू डिस्टेंस, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बढ़ा दूँ 14 mm तक, ठीक है, और इसका मैं एंगल कर दूँ 57, ये लें जी, 57 भी हो गया, ठीक है। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इसको दोबारा एडिट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ इसको कर दूँ मैं 30 mm, 30 एंगल, ठीक है, ये लें जी, इसका एंगल भी 30 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद एक और हमारे पास टाइप है शैम्फर की, उसको बोलते हैं डिस्टेंस टू डिस्टेंस, ठीक है। इसको चूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं बड़ा इंक्रीज करूँगा, ये देखें, इसका आप एंगल वगैरह चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था शैम्फर, और उसके बाद मैं इन दो शैम्फर्स को डिलीट कर लेता हूँ, ताकि मैंने कुछ और काम भी करने हैं इनके ऊपर, और ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में क्या होगा, लीनियर पैटर्न में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बल्कि इसके ऊपर एक ना हम कोई चीज़ क्लिक कर लेते, इसके ऊपर बना लेते हैं, बल्कि ये बनी है ना, इसको ही हम जो है पैटर्न कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर पैटर्न में जाऊँगा और मैं ये लाइन चूज़ कर लेता हूँ, लाइन मैंने ये चूज़ की, फीचर हमारे पास ये वाले आ गए, ठीक है, सॉरी ये, हाँ
ठीक है, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। और ऑल बॉडीज सिलेक्टेड बॉडीज, उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, ये नहीं आ रहा ज्योमेट्रिक पैटर्न डिस जॉइंट, हमने क्या करना है ज्योमेट्रिक पैटर्न बहुत, इसको क्लिक करेंगे, एक मिनट ये कुछ इशू, सॉरी हम बॉडीज गए, हमने ये देखिएगा इंशाल्लाह हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। अच्छा एक और तरीका भी है, उसको हम ये करेंगे कि इसके ऊपर स्केच करता हूँ, मैंने इसके ऊपर कोई भी चीज़ बना ली, ठीक है। अच्छा इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, इसको मैं करता हूँ 10 mm, हमारे रिजल्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको पैटर्न करने का आप तरीका देख लीजिए, ठीक, ये लाइन चूज की मैंने, ठीक है, डिस्टेंस कम करेंगे, इसमें करेंगे हम 4 mm, ठीक है। और जो फीचर्स हैं वो हम ये चूज कर लेंगे, अच्छा डिस्टेंस इसमें कर देते हैं जी 7 mm, नहीं 7 भी नहीं 10 mm, 10 भी नहीं थोड़ा और है, 14 mm कर देते हैं जी। और इसमें जो है हम पैटर्न कर देते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं ये देखें हो रहा है इससे पैटर्न, कि हो गया जी, ठीक है। दोबारा हम पैटर्न में जाएंगे, इस लाइन को चूज करेंगे, उसके बाद हमारे पास फीचर्स में ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब हम चाहते हैं हमारे पास डायरेक्शन टू आए, डायरेक्शन टू कौन सी है, ये डायरेक्शन टू आ गई, और उसके बाद हमने क्या करना है पैटर्न सीड ओनली, इसमें भी हम एक में इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, तो क्लिक किया इसके नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखें इसमें हमने डिस्टेंस जो है थोड़ा ज़्यादा दिया होगा, तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस जो है इसमें भी 14 mm कर लेते हैं, ठीक है। पैटर्न सीड ओनली ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास ये देखिए पैटर्न सीड ओनली का मतलब है जो हमारे पास पार था वही बनेगा, पैटर्न सीड ओनली खत्म करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं इंस्टेंसेस टू स्किप, जो है हम चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन जिस खत्म हो जाए, ये वाला ना बने और ये वाला ना बने और ये वाला ना बने, तो ये देखिएगा ये हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास लीनियर पैटर्न, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब हमारे पास एक और होता है सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। इस पर मैंने एक चीज़ क्लिक की, सॉरी इस पर मैं एक चीज़ बनाता हूँ, ठीक है, इस पर मैं एक स्टोर कर लेता हूँ इसे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसको जो है मैं सर्कुलर पैटर्न दूँ, सर्कुलर पैटर्न में जाऊँगा, इसको क्लिक किया, सॉरी डायरेक्शन हमारी ये होगी, ठीक है, और फीचर हमारे पास ये वाला होगा, सॉरी इसमें, अच्छा इसमें जो होता है हम डायरेक्शन चूज करते हैं, फिर इसको क्लिक करूँगा और इसमें जो है मैं ये चूज कर लूँगा, सॉरी एक मिनट। अच्छा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे बॉडीज़ में, ये देखें हम बॉडीज़ में गए, ये कभी कभी आपने चीज़ें देखनी है कि आपके पास अगर फीचर्स से नहीं होता तो आपने बॉडीज़ में चले जाना है, इसको क्लिक करेंगे, और अगर हम चाहते हैं इक्वल स्पेसिंग हो, थ्री ये देखें 330 degree हो गई, ये लें जी इसकी स्पेसिंग भी बढ़ा रहे हैं हम, 300 नंबर इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ ये हो गया, और ये लें जी ये हो गया हमारे पास सर्कुलर पैटर्न। उसके बाद हम जनाब आ जाते हैं हमारे पास है लीनियर, हमारे पास एक और पैटर्न होता है, सॉरी कर्व ड्रिवन पैटर्न, मिरर आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, अभी हम चलते हैं कर्व ड्रिवन पैटर्न की तरफ, ठीक है। उसमें मैं जो है ना इस इनको डिलीट कर देता हूँ, ये जो है ये कौन सा था हमारे पास, हाँ लीनियर पैटर्न को डिलीट किया मैंने, एक फ्रंट प्लेन लूंगा,
अब मैं चाहता हूँ कि कर्व चले यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। जैसे जैसे ये कर्व बनेगी ना वैसे वैसे ही ये पैटर्न होता जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है, ख़त्म करें इसको, कार ड्रिवन पैटर्न में आए। तो हमने ये स्केच हमारे पास चूज है, ये लेके हमने ये लाइन भी ले सकते हैं, इसको हम 12 कर देते हैं, ठीक है, और इक्वल स्पेसिंग कर देते हैं, इक्वल हो जाएंगे। और हमने क्या चूज़ करना है, ये पार्ट चूज करना है, अगर ये शायद नहीं होगा क्योंकि हमें बॉडी लेनी पड़ेगी, देखा। तो हम चले जाएंगे बॉडी में, ठीक है, ये देख, जिस तरह ये कर्व थी उसी तरह से ही हमारे पास ये पैटर्न हो चुका है, ठीक है। इस कर्व को चाहे तो आप हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कार्ड रिबन पैटर्न, तो ख़त्म कर दूंगा मैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपने मिरर में, आगे सिखाऊंगा आपको, रिब की तरफ चलते हैं। अच्छा, रिब का देख लें, रिब में क्या करना है, रिब में चलें मैं प्लेन ले लेता हूँ, एक इसमें जाएंगे, प्लेन लेंगे। रिब होती है कि इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ने के लिए जो जॉइंट हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं। मैं एक प्लेन लेता हूँ। अच्छा, मैं मुझे चेक करने दें इसकी लेंथ कितनी है। अच्छा, ये देखें इसकी लेंथ है, अब इस लाइन की मैं बस 120 mm। अब हमने हाफ में, मैं चाहता हूँ इसके प्लेन जो है बिल्कुल सेंटर में आए, सॉरी, ये ख़त्म करेंगे, डिलीट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब जो है प्लेन जो है 30 mm है, मैंने 60 mm लेना है क्योंकि 120 है तो उसका हाफ 60 होता है, ठीक है। तो मैं इसको फ्लिप कर लूँगा, ये दरमियान में आ गया प्लेन, ठीक है। इसके बाद जो है हमने रिब क्रिएट करनी है, रिब के लिए क्या करूँगा, स्केच, ठीक है, हमारे पास यह लाइन आ जाएगी, सॉरी इधर चले जाएंगे, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि अब लाइन जो है बिल्कुल सेंटर में क्रिएट हुई है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे रिब में, रिब को क्लिक करेंगे, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको एक साइड में भी ले जा सकते हैं, दूसरी साइड में भी, मैं सेंटर में रखूंगा, मैं 20 mm की है। और ये हमारे, हाँ, बॉडी भी सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, अरे बॉडी सिलेक्ट करनी है जिस पे आप रिब बना रहे हैं, सॉरी, ये दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ भाई, ये होगी थी, लाइन लगा ली थी हमने। उसके बाद हम जाते हैं फीचर्स में, रिब के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद हमने ये बॉडी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इसकी थिकनेस शायद 20 mm ना हो पाए, ये देखें, ये 20 mm, ठीक है, ये रिब हो गई हमारे पास। इसको हम एक और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। रिब को मैं आपको बताया था कि सॉलिड वर्क करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। रिब को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने स्केच बनाया था उसको एडिट स्केच करेंगे। उसके बाद जो है मैं इसको आपको रिब बनाने का दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फीचर्स में जाऊंगा, फीचर्स में अब इसको मैं करूंगा मिड प्लेन, ठीक है। इसको मैं ये ले लूँ, ये आपकी इस तरह से भी रिब जो है क्रिएट हो गई, ठीक है। मतलब एक चीज़ को क्रिएट करने के सॉलिड वर्क्स में कई तरीके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्राफ्ट पे, ये जब यूज़ होता है, जब आपने डाइज बनानी हो, मोल्ड्स बनाने हो, तो उन जगह पर ये यूज़ होता है। ड्राफ्ट में मैं जाऊँगा, ठीक है, मैनुअल में जाऊंगा मैं, अच्छा। उसके बाद जो है न्यूट्रल प्लेन, भी आप किस प्लेन को जो है हम न्यूट्रल रखना चाह रहे हैं, इस प्लेन को मैं न्यूट्रल रखूंगा। और मैं चाहता हूँ हमारे पास ये वाला फेस जो है ड्राफ्ट हो जाए। अभी देखिए बिल्कुल सीधा है ये, ठीक है। इसको मैं 5 डिग्री दे देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको, मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूँ ना, हाइट हो गया, ठीक है। ये देखें अब ये टेढ़ा हो चुका है। अगर मैं इसका एंगल और ज़्यादा दे दूं, इसको मैं कर दूं 56, अब देखिए शायद ये ड्राफ्ट हो या ना हो, पता नहीं। ये देखें ये एंगल, ये ना अब आपको अभी समझ नहीं आएगी इसकी, जब आप जो है
उसमें जाएंगे ना, आप अपने मोल्ड्स वगैरह बनाएंगे तब आपको समझ आ जाएगी। ये जो कोई मोल्ड बनाएगा उसमें थोड़ा सा एंगल का मसला आ रहा होता है, वो मोल्ड सही नहीं बन रहे होते तो फिर ये एंगल वगैरह भी देने पड़ते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास आ गया, सॉरी शेल है, अभी इसको समझते हैं। उसके बाद रैप है जो बहुत इंपॉर्टेंट। शेल का मतलब होता है कि आप अंदर से किसको कितना शेल करना चाहते हैं। मैंने इसकी रख ली 11 mm थिकनेस, 11 mm थिकनेस होगी, अंदर से शेल हो गया, देखें ये देखें, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसकी थिकनेस जो है 3 mm आए, 3 mm, ये 3 mm होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पर रैप। अब मैं आपको सिखाता हूँ रैप। रैप बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। आप प्लेन ले लेते हैं, प्लेन हम लेते हैं यहाँ पे, सॉरी शायद यहाँ पे हमने प्लेन लिया भी होगा, आई गेस ये प्लेन, ठीक है। मैंने प्लेन नहीं पहले चूज किया हुआ था, बल्कि आपके इजी के लिए, इजीनेस के लिए आपको लेके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। प्लेन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, इससे मैं थोड़ा सा, सॉरी ये तो 80 mm में बहुत आगे हो जाएगा, हाँ बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस प्लेन में क्लिक किया, मैं एडिट स्केच में जाऊंगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस प्लेन पे मैं कुछ लिखूँ, ये जो हमारी बॉल है इस पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लिक किया, इस पे मैं लिखता हूँ अहमद, सॉरी मैं बड़े अल्फाबेट्स में लिखता हूँ, AHMAD MAKW, अहमद मकबल। इसको मैं लेफ्ट साइड पे अलाइन कर सकता हूँ, राइट साइड पे भी, इधर भी, और ये सेंटर में भी, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, इसके अल्फा, इसको फिर मैं सीधा करूँगा, ये देखिए मैं इसके लेटर्स भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चला जाऊँगा यूज डॉक्यूमेंट को ख़त्म करूँगा, ये देखिए ये डिस्टेंस बढ़ रहा है इनमें, ये एक अल्फाबेट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये 100 100 ही रहने में, ठीक है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ फॉन्ट में, फॉन्ट में आप इसके स्टाइल चूज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, मैं इसको 5 mm कर देता हूँ, सॉरी ये 5 mm, ठीक है। उसके बाद बोल्ड हो गया, ये देखें थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये हमारे पास आ गया, एग्जिट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसको जो है मैं अपने इसके ऊपर लिखूँ, इसके ऊपर हमारे पास अलाइन हो जाए, ठीक है। इसके जो क्लिक करूँगा, रैप करूँगा, ये बॉडी होगी हमारे पास, ठीक है। ये जो होगी वो सिंपल प्लेन सरफेस के लिए, ये राउंड, ये हमारे पास राउंड सरफेस के लिए, ठीक है। इनमें से आपने ऑप्शन चूज कर लेना, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी आएगा एनालिटिकल के लिए, और ये हमारे पास कौन सी होगी, स्प्लाइन सरफेस के लिए। अब मैं इसको दे देता हूँ जी 5 mm, ठीक है। ये देखिए इसको बोलते हैं हम एम्बोस, एक्सट्रूड बेस बॉस हो गया, ये डी बॉस होता है, ये होगा हमारे पास एक्सट्रूड कट होगा, ये होता है सिंपल, वो भी जो भी हमने लिखा उसके ऊपर लिखा आ जाएगा। मैं एम्बोस कर रहा हूँ, ये थोड़ी हैवी कमांड है तो टाइम लेती है, देखें प्रॉपर एक वे में लिखा हुआ है, देखें सारे अल्फाबेट जो है अटैच है और एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ आया है, ठीक है। एक मिनट, ये हमारे पास था। अगर मैं चाहता हूँ इस रैप को मैं एडिट फीचर में जाऊँ, मैं कहता हूँ यार नहीं यार, मैंने इसको ना एक्सट्रूड कट करना है, मैं 3 mm कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए भी कट भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अभी अंदर से कट हो चुका है, ठीक है। इसको ख़त्म करूँगा मैं, थोड़ी हैवी कमांड है, टाइम लेती है, और मैं रैप में जाऊँगा, इसी एडिट फीचर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ना लिखा हुआ आ जाए हमारे पास, ठीक है। ये ले जी, ये सिर्फ हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। ये देखिए ये अलग पोर्शन है, इसको मैं जो है मैं कलर भी दे सकता हूँ, मटेरियल प्लास्टिक मेटल नहीं, पेंटेड कार, ये इसको मैं रेड एप्पल दे देता हूँ, अच्छा इसमें नहीं दे सकते क्योंकि बिल्कुल वो उसके साथ अटैच नहीं। एक और तरीका भी है इसको देने का,
ये ए को, ये देख मैंने सरफेस चेक की, फिर उसके बाद ये जो है, अच्छा इसको करता हूँ रैप पूरे पोर्शन को, तो पूरा हमारे पास पार्ट जो है उस पर अपीयरेंस आ जाती है। मैं चढ़ता हूँ इस फेस पे, ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास हो गया। अच्छा ये हो गया हमारे पास रैप। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम चाहते हैं हमारे पास रैप जो, हम इसको रैप से नहीं करना चाहते, वो हम करना चाहते हैं, बल्कि आप छोड़ दें, आपने जब भी करना है आपने रैप से ही करना है। अगर आप करेंगे एक्सट्रूड बेस बॉस से तो वो भी आपको मैं तरीका दिखाता हूँ, वो गलत हो जाता है हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा अभी एडिट स्केच में गया। अब मैं चाहता हूँ इसको जो है, हम एक्सट्रूड बेस बॉस से भी तो कर सकते थे। फीचर्स में जाऊंगा, एक्सट्रूड बेस बॉस में जाऊंगा, स्केच फ्रॉम सरफेस प्लेन फेस हम चाहते हैं ये वाली, इधर से हमने करना है, ठीक है, और मिड प्लेन नहीं, हमने ब्लाइंड करना है, हम चाहते हैं ये 5 mm, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको दिखाया था कि उसमें देखना, उसमें जो हमने किया था वो बिल्कुल प्रॉपर एक अलाइंड जो हमारे पास अल्फाबेट्स आए थे। इसमें आप देखें, देखें कोई सर नहीं है, पाँव नहीं है, देखें ये टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। तो आपने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो है उसके लिए एक अलग कमांड है रैप, रैप यूज करनी है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अच्छा रैप हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरसेक्ट के लिए क्या करना है। चलिए इंटरसेक्ट में चले जाते हैं, अब हम इंटरसेक्ट में जाएंगे, इधर हमने एक लाइन ली, इसको क्लिक किया, अब जो है मैं फिर स्केच में जाऊंगा, ठीक है, मैं जा जाऊंगा सरफेसेस में, ये सरफेस ले ली, फीचर में गया, इंटरसेक्ट, मैं करूंगा चलें, ठीक है, इसको मैं हाइड कर लेता हूं, ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्ट। उसके बाद मिरर है, मिरर का आपको मैंने बताया हुआ था, मिरर के लिए कोई भी पहले प्लेन लेते होते थे हम, प्लेन हम चूज करेंगे, चलो ये प्लेन हमारे पास चूज हुआ हुआ है, ऑटोमेटिकली हमारे पास प्लेन आया हुआ है। मिरर के लिए हम ये प्लेन चूज करेंगे, उसके बाद हम कहते हैं फीचर ये वाला मिरर हो हमारे पास, तो हमारे पास ये फीचर जो हमारे पास ऑटोमेटिकली, ये एक्सट्रूड बेस बॉस दोनों मैंने एक ही में बनाए हुए थे, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, हम करेंगे बॉडीज टू मिरर, ये और ये जो है हमारे पास मिरर हो जाए। चलें तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो इंशाल्लाह उम्मीद आप सबको पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।